ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे किस तरह से कि पोलर कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं हमारे पास, कोई पोलर कर्व है उसका अगर एरिया फाइंड करना हो तो उसको हम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा कोई भी एक पोलर कर्व है, ठीक है, और इसका अगर मुझे एरिया फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास एरिया का? ए इक्वल टू इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा, या थीटा इज डिफाइंड फॉर द पोलर कर्व इज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो हम अल्फा से बीटा तक इंटीग्रेट करेंगे 1/2 टाइम्स एफ ऑफ थीटा का स्क्वायर डी थीटा, और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटीग्रल अल्फा टू बीटा 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। तो एक क्वेश्चन करते हैं इस फॉर्मूला की हेल्प से और देखेंगे किस तरह से हम फाइंड करते हैं कि हमारे पास जो अपर और लोअर लिमिट है, असल काम इसमें सारा वही होता है। तो उसको फाइंड करने के लिए पहले हमें अपने जो स्केच है, जो पोलर कर्व है, इसको स्केच करना पड़ेगा, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। जैसे रेडियल वेक्टर, उसके ऊपर कोई भी रेडियल लाइन हम ड्रॉ करेंगे और उससे हम अपनी जो है उसको अल्फा और बीटा की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। देखते हैं, एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ इस तरह से। फाइंड द एरिया फॉर द पोलर कर्व आर इक्वल टू 4 cos 3 थीटा। ठीक है, तो 4 cos 3 थीटा, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ कैसा होता है, इसको कंपेयर करेंगे आप फैमिलीज ऑफ, ये रहेगा आर इक्वल टू ए कॉस एन थीटा से कंपेयर करें, तो क्या है यहाँ पर एन क्या है, ऑड है, 3 है। इसका ग्राफ हमारे पास इस तरह से होता है। पोलर कर्व के ऊपर इसका ग्राफ कैसे होता है, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया इसका ग्राफ। इसको मैं ड्रॉ करते हैं सही से। ठीक है, एक पेटल इसका यहाँ पर बनेगा, सिमिलर एक पेटल यहाँ बनेगा इसका, और एक यहाँ पर। 10.2 में आप इसको देख सकते हैं, जनरल केस हमारे पास हैं इसके। ठीक है, अब हमने इसका पहले ग्राफ्स जो है ग्राफ स्केच करना है। ग्राफ स्केच करने के बाद इसको देखना है कि टेंजेंट टू द कर्व एट द ओरिजिन हमारे पास क्या आता है, उसके ऊपर थीटा क्या आता है। ठीक है, तो टेंजेंट लाइन में पता है कि यहाँ पर कहीं पाई जाएगी एट ओरिजिन, जो है इसको मैं स्केच करता हूँ ये। ठीक है, तो इसके ऊपर थीटा की वैल्यू क्या आती है, तो सिंपली हम क्या कैसे फाइंड करते हैं इसको, इसके लिए आसान सा तरीका होता है, आप यहाँ करना आर इक्वल टू 0 पुट कर देना है। पुट आर इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, फोर कॉस 3 थीटा इक्वल टू 0। इट्स मीन्स दैट कॉस 3 थीटा इक्वल टू 0 और कॉस की वैल्यू 0 कब होती है, जब हमारे पास एंगल क्या होता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, यानी कि पाई बाय 2 हो। ठीक है, तो इट्स मीन दैट 3 थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, तो इट्स मीन थीटा इक्वल टू पाई बाय 6। तो मुझे अगर मैं ये शेडेड रीजन फाइंड कर लूँ, ये वाला, ठीक है, और मुझे पता है कि ये हमारे पास क्या है, और ये रीजन में फाइंड कर लूँ, यानी कि मुझे 0 से लेकर पाई बाय 6 तक इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट तक, ये वाला 0 से लेकर पाई बाय 6 तक इसको इंटीग्रेट करना होगा, और इसके बाद फिर क्या होगा, और इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर दूंगा, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन होगा इसका एरिया, यहाँ से यहाँ तक का बिल्कुल रीजन सेम होगा, और ये भी सेम होगा, इसको भी टू टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो इट्स मीन दैट टोटल 6 टाइम्स ऑफ दिस रीजन आ जाएगा। सिर्फ इसका जो मैं एरिया फाइंड करूंगा उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 6 कर दूंगा,
तो मेरे पास टोटल जो एरिया ऑफ पोलर कर्व है यानी कि तीन के तीन पेटल्स का, वो मेरे पास एरिया आ जाएगा। तो अब फॉर्मूला में इसको मैं पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू ए इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/6 एंड 6 टाइम्स, क्योंकि तीन पेटल्स हैं और उनके हमने हाफ पेटल का एरिया फाइंड कर लिया, 0 से लेकर π/6 तक हम फाइंड कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो उनको 6 से मल्टीप्लाई करा दो, हमारे पास तीनों पेटल्स का एरिया आ जाएगा 1/2 times r² आर स्क्वायर मीट्स आर में क्या गिवन है, 4 cos 3 थीटा, दैट इज 4 cos 3 थीटा का स्क्वायर डी थीटा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3, ठीक है, 2 × 2 = 6, ये हमारे पास हो जाएगा। तो 3 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 0 to π/6 16 cos² 3 थीटा d थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके अलावा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जब भी मेरे पास cos² 3 थीटा है, cos स्क्वायर का मतलब कि हमारे पास को इंटीग्रेट करना हो या साइन स्क्वायर को, या तो हम वहाँ पर रिडक्शन फार्मूला लगा लें इंटीग्रेशन का, या तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है उसको यूज़ कर लें, ठीक है। तो 16 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 टाइम्स इंटीग्रल 0 to π/6 8 into, यहाँ मुझे क्या पता है, यहाँ पे लिख देता हूँ उसको साइड पे, आई नो दैट cos² थीटा इक्वल टू 2 cos² थीटा, छोटा cos² थीटा cos² थीटा इक्वल टू 2 cos² थीटा -1। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, cos² थीटा की वैल्यू फाइंड करनी, दैट विल बी इक्वल टू 2 cos² थीटा इक्वल टू 1 + cos² थीटा, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास क्या 3 थीटा है, थीटा को रिप्लेस करते हैं 3 थीटा के साथ, तो क्या हो जाएगा 2 cos² 3 थीटा विल बी इक्वल टू 1 + cos 6 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को पुट कर दें, 1 + cos 6 थीटा d थीटा। अब अगर अब इसको इंटीग्रेट करेंगे आप, तो इजीली आपके पास आंसर क्या आएगा, आफ्टर इंटीग्रेशन द आंसर विल बी 4π, ठीक है। मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहा, तो इंटीग्रेशन आपको आती है सिंपल से वे में, आपने इसको इंटीग्रेट कर लेना है और फाइनल आंसर आपके पास आएगा 4π। सो दिस इज द टोटल एरिया ऑफ द पोलर कर्व, गिवन पोलर कर्व, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर हमारे पास क्या हो कि टू पोलर कर्व एक साथ आपको इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, उनके बिटवीन जो एरिया है कॉमन एरिया आपको फाइंड करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्या लॉजिक लगेगी, वहाँ पर एक क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन के लिए आपको समझाता हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजन इनसाइड द सर्किल सर्किल आर इक्वल टू 3 sin थीटा एंड आउटसाइड द कार्डियोइड आर इक्वल टू 1 + sin थीटा, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या काम करना है, इसके अंदर पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, सबसे पहले अपना जो है पोलर कर्व इसको स्केच करेंगे,
तो पोलर कर्व को स्केच करने के लिए मैं एक्सिस को ड्रॉ कर लेता हूँ ज़रा। ये हो गया। अब इसके अलावा ये मुझे क्या पता है, यहाँ पर आर इक्वल टू 3 sin थीटा, 1, 2, 3, ठीक है। यहाँ पर हम एक क्या है सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। इसको ऐसे ही से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट तकरीबन एक स्केच हो गया हमारे पास आर इक्वल टू 3 sin थीटा का। तो मतलब कि हम स्केच उसको कंपेयर करेंगे, अगर आर इक्वल टू 2a sin थीटा होता है जनरल फार्मूला, ठीक है। 2a की लेंथ क्या होती है, ये लेंथ हमारे पास क्या होती है, 2a होती है। इट्स मीन कि 3 बराबर है 2a के, तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या लेंथ है, 2a के बराबर है। अब इसके अलावा हमने क्या करना है, आर इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा, ठीक है। आर इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा, ये हमारे पास इक्वेशन होती है कार्डियोइड की। और कार्डियोइड क्या होता है हमारे पास, ये पर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है, आर इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा। इसकी इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। 1 प्लस sin थीटा इट्स मीन दैट कि यहाँ पर 1 से पास होगा, ये हमारे पास आ जाएगा, और साइन थीटा है यहाँ पर उधर तक आएगा। तो इसको बना देते हैं ज़रा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया कार्डियोइड फॉर आर इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा। तो हमने जो एरिया फाइंड करना है उसको क्वेश्चन को चेक करें, रीजन इन साइड द सर्किल, सर्किल के इन साइड का रीजन की अगर बात करूँगा तो मेरे पास ये सारा सर्किल का इन साइड का रीजन है। इसको मैं डिफरेंट कलर से शो कर रखता हूँ, ये सारा इन साइड रीजन है। और फिर क्या है, आउटसाइड द कार्डियोइड, कार्डियोइड के मगर आउटसाइड होते वो ये रीजन बनता है। तो इस रीजन को मुझे फाइंड करना है, इसका एरिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक वे है कि दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर कर लें। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूँगा मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ से आ जाता है आर इज इक्वल टू क्या है, एक तो 1 3 sin थीटा है, दूसरी इक्वेशन क्या है आर इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा है। कंपेयर करें इसको तो क्या हो जाएगा, 3 sin थीटा इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। और साइन थीटा की 1/2 वैल्यू कब आती है, जब थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 होता है। सो इट्स मीन दैट 1 थीटा मेरे पास क्या होगा, पाई बाय 6 होगा, ठीक है। यानी कि ये जो रीजन होगा मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर जो रेडियल लाइन आएगी वो क्या होगी, पाई बाय 6। और दूसरा मुझे कहाँ तक फाइंड करना है, अगर मैं यहाँ तक का एरिया फाइंड कर लूँ, ठीक है, तो क्या है पाई बाय 6, पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 2 तक का, और इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ तो मेरे पास ये एरिया भी आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ मैंने ये एरिया फाइंड करना है पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 2 तक, ठीक है। और क्योंकि बिकॉज इट्स सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो मुझे ये वाला एरिया ढूंढने के लिए, इसको फाइंड करने के लिए करना है सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। तो सिंपल से वे में इस तरह से हम इसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, इसको हम फाइंड करते हैं। तो सिंपली हमारे पास अल्फा क्या आ गया, अल्फा इक्वल टू पाई बाय 6, और अपर लिमिट मेरे पास बीटा क्या आ गया, बीटा इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से मैं पाई बाय 6 से पाई बाय 2 तक का ये एरिया फाइंड करूँगा और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, मेरे पास ये एरिया भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एरिया इक्वल टू ए इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन पाई बाय 6 टू पाई बाय 2, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा जो बड़ा रीजन है पहले आएगा, दैट इज़ 3 sin थीटा का स्क्वायर आर स्क्वायर, 3 sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस छोटा रीजन होगा बाद में आएगा 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर d थीटा।
ठीक है, अब इसको कर लेते हैं हम सिंपलीफाई, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू टू इंटीग्रेशन पाई बाय सिक्स पाई बाय टू, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास नाइन साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस टू साइन थीटा एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एट साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा एंड माइनस वन डी थीटा इंटीग्रल पाई बाय सिक्स टू पाई बाय टू, ठीक है, फॉर्मूले में आई थिंक मैंने एक चीज़ मिसिंग कर दी है, दैट इज यहाँ पर वन अपॉइंट टू भी आता है, ठीक है, वन अपॉइंट टू, और वो यहाँ से टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू दिस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा, दैट विल बी ये हो गया, तो ए हमारे पास, अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करने के लिए आपको इजीली, इसको आपको पता है, इसको तो आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा है, चाहे तो आप रिडक्शन फार्मूला अप्लाई कर दें इसके ऊपर, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं कि साइन थीटा के साथ जो इसका हमारे पास एक रिलेशन होता है कॉस टू थीटा का, ठीक है, उसको आप यूज़ करें सिंपली, तो फाइंड करेंगे आप इंटीग्रेशन इसका, तो आपके पास क्या आएगा, एरिया इक्वल टू पाई आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें भी इस तरह से सिमिलर क्वेश्चन है, वैसे तो इस चीज़ से आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपने फाइंड करना है, फाइंड द एरिया इनसाइड द कार्डियोइड इनसाइड द कार्डियोइड आर इक्वल टू टू प्लस टू कॉस थीटा, ठीक है, एंड आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल टू थ्री, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल टू थ्री, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, आर इक्वल टू थ्री के हमारे पास सर्कल कैसा आएगा, वन टू थ्री, वन टू थ्री, तो हमारे पास एक सर्कल आ जाएगा आर इक्वल टू थ्री के लिहाज से, ये हो जाएगा दिस, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास एक सर्किल बन जाएगा इस तरह से आर इक्वल टू थ्री का, जिसका रेडियस हमारे पास थ्री हो, और टू प्लस टू कॉस थीटा ये हमारे पास कार्डियोइड की इक्वेशन है, तो इट्स मीन्स दैट इक्वेशन कैसी बनेगी यहाँ पर, वन टू, तो ये हमारे पास कार्डियोइड होगा इस तरह से पास करेगा, और फोर यहाँ से फोर तक जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली मैंने बनाया इसको इस तरह से बना लेते हैं, फोर थ्री के बाद फोर यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये हमारे पास कार्डियोइड आ जाएगा, एक तरह से अप्रॉक्सीमेटली है, तो फाइनली हम क्या करना, क्या हमने हमने इनसाइड द कार्डियोइड, कार्डियोइड के अंदर का हिस्सा ये है, और सर्कल के आउटसाइड का हिस्सा कौन सा है, वो मतलब कि कॉमन रीजन कौन सा बनेगा इसमें, ये दिखा देते हैं आपको, इट्स मीन कि दैट ये रीजन आपने फाइंड करना है, तो इस रीजन को फाइंड करने के लिए आपने क्या कर लेना है, यहाँ पर एक एंगल आपको रेडियल वेक्टर आर जो है, रेडियल लाइन जो है आर ड्रॉ करनी पड़ेगी, और ये आपको फाइंड करनी पड़ेगी सिंपल, जैसा पहले पिछले क्वेश्चन में हमने किया है कि दोनों को कंपेयर कर दें,
तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 + 2 cos थीटा, दोनों पोलर कर्व की इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। सो इट मीन दैट cos थीटा इक्वल टू 1/2 एंड थीटा इक्वल टू, थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है, जब थीटा हमारे पास होता है π/3। तो सिमिलर क्वेश्चन है, थीटा इक्वल टू π/3 आ गया। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर π/3 का मतलब क्या है, यहाँ पर जो लाइन आ रही है ये वाली जो है कॉमन रीजन यहाँ पर, तो अगर मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का रीजन मैं फाइंड कर लूँ तो बाकी जो है यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है ये रीजन ये वाला, ठीक है, ये मैं खुद बहुत फाइंड कर सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2 करवा के, बिकॉज इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, 0 से लेकर π/3 तक इसको इंटीग्रेट कर लूँगा, ठीक है, ये मेरे पास है π/3। तो 0 से लेकर π/3 तक इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास जो भी आएगा पोलर कर्व का जो है एरिया आ जाएगा, एरिया इक्वल टू ए इक्वल टू 2 times द इंटीग्रल 0 to π/3। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं, 1/2 times जो रीजन जो बड़ा होगा उसको हम पहले लिखेंगे, दैट इज हमें पता कि इन साइड द कार्डियॉइड एंड आउटसाइड द सर्किल, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, टू प्लस 2 cos थीटा इसका स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 d थीटा। और इसको अब आपने करना है इंटीग्रेट कर लेना है, तो बेसिक काम इसका सिर्फ लिमिट्स फाइंड करना डिफिकल्ट होता है, उसके अलावा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है इसमें। तो आपने बस इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करते हुए आपने करना क्या है, यहाँ पर cos स्क्वायर की फॉर्म में आएगा तो आप चाहे यहाँ रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दें या तो आप आइडेंटिटी को यूज़ कर लें cos 2 थीटा वाली को और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, दैट विल बी एरिया इक्वल टू 10π, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा किस तरह से एरिया बिटवीन टू कर्व्स, टू पोलर कर्व्स फाइंड कर सकते हैं, एरिया हमारे पास फाइंड करना है पोलर कर्व का, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है उसको यूज़ करते हुए हमने फाइंड किया डिफरेंट एग्जाम्पल्स के ऊपर।